चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। अच्छा, ये मैं ढाबा स्टाइल का बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो भिंडी है। आप, मैंने थोड़ी बारीक इसको काटी है, अगर आप चाहें तो जरा मोटा साइज, बड़ा साइज भी ले सकते, कर सकते हैं इसका। अच्छा, टमाटर लिया है एक बड़ा। टमाटर जो है वो ना बिल्कुल पका हुआ नहीं लीजिएगा, जरा सा कच्चा, जिसके अंदर खट्टा खटाई ज़्यादा होती है, इस वजह से। तो मैंने ये रॉ टमाटर लिया है, एक है बड़ा साइज का, इसको बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज की प्याज है, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून। मसालों में है ये धनिए को रोस्ट करके और उसको बारीक कूट लिया है, ये हमने 2 टेबलस्पून लिया है। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी है 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून पिसावा जीरा। अच्छा, बघार में जो है वो है साबित लाल मिर्च, राई है ये, और जीरा, ये 1-1 टीस्पून। तो चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया है, ये सरसों का तेल है 1/2 कप, और इस पर सबसे पहले मैं प्याज डाल दूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। देखिए, प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, और बस मैंने अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। में जो मैंने बघार के लिए निकाला था साबित मसाला, साबित लाल मिर्च है, राई है, और साबित जीरा, ये डाल देंगे। अभी जो टमाटर हमने एक लिया था, जरा सा रॉ है, ये कच्चा है थोड़ा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा, ये हमने डाल लिया। अब इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये टमाटर और प्याज गल गए हैं। इसके अंदर 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट की तरह हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाले डालूंगी, ये सारे मसाले मैं डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसके बाद जो भिंडी ऐड कर दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इस स्टेज पे मैं भिंडी डाल दूंगी, क्योंकि भिंडी भाप में भी गल जाती है, बहुत जल्दी गलती है। इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ और फिर इसको मैं अगेन ढक कर छोड़ दूंगी। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है।